अपनी ईमानदारी और कामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली IAS अफसर बी चंद्रकला एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इस बार वो अपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नहीं बल्कि CBI के छापों की वजह से चर्चा में आई है। आपको बता दें कि अवैध रेत खनन मामले में गलत ढंग से पट्टे देने के आरोप में उनके लखनऊ स्थित आवास पर CBI की छापेमारी हो गई है। इस छापेमारी में CBI अब तक काफी दस्तावेज जब्त कर चुकी है, और इसके अलावा CBI ने IAS अफसर के एक लॉकर और दो बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं। बी चंद्रकला पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब वो बुलंदशहर की DM बनी थी। यहाँ DM रहते हुए उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार और अफसरों को जमकर लताड़ लगाई थी, जिसका वीडियो इतना वायरल हुआ था कि बी चंद्रकला घर घर में पहचानी जाने लगी थी। दरअसल उन्होंने नगर पालिका के विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की जाँच की थी। जाँच के दौरान उन्होंने पाया था कि निर्माण कार्यों में जो ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स और गिट्टी इस्तेमाल हो रही थी वो घटिया और पुरानी थी, और इसी वजह से नाराज चंद्रकला ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई थी। उन्होंने अफसरों को लताड़ लगाते हुए कहा था कि शर्म करो, ये जनता के पैसे हैं, आपके घर का पैसा नहीं है, इस तरह आप लोगों को धोखा देते हैं, वेतन से पैसे कटवा दूंगी, सड़क बनती है और रातों रात उखड़ भी जाती है, सब सामान वापस करो, मैं पूरी रिपोर्ट शासन को भेजूंगी। आपको बता दें कि बी चंद्रकला सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हैं। उनके एक एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स आते हैं। वो अगर अपनी एक DP भी बदल लेती हैं तो लोग उस पर सैकड़ों कमेंट्स कर देते हैं। इस मामले में वो कई मशहूर हस्तियों तक को मात देती है, लेकिन अब तेज तर्रार व्यवहार वाली चंद्रकला CBI के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुकी है। तो अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या फैसला आता है। ये खबर आपको कैसी लगी? आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस UP को भी सब्सक्राइब कीजिए।